लोगों का सिर्फ एक ही डिमांड है, हमारे 60 वार्ड में कोई भी काम नहीं हुआ है 7 सालों में। हमारे जो सिटिंग काउंसिलर जो रहे हैं उनसे सब परेशान हो गई है। यहाँ के काउंसिलर जो खड़े हैं वो यहाँ के लैक नहीं है कि यहाँ का काउंसिलर चेंज हो। ये सर जमीन नहीं चाहिए, साजिया सही चाहिए। वार्ड नंबर 60 बेनिया पुकुर इलाके में लेट उमर फारूक की वाइफ सादिया शाहीन और कुछ महिलाएं धरना में बैठी हैं। सादिया शाहीन जो उमर फारूक की वाइफ है, आज वो अवाम के साथ खड़ी है। जिस तरह उमर फारूक अवाम के साथ खड़े रहते थे, उनके मदद के लिए सबसे पहले आते थे, आज उनकी वाइफ को भी देखा गया कि वो भी अवाम की मदद के लिए सबसे पहले खड़ी होती है। आइए सादिया शाहीन से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो लोग इस धरने में क्यों बैठी हैं, क्या वजह है। जैसे आप लोग हर मीडिया चैनल में देख रहे होंगे, हम लोगों का सिर्फ एक ही डिमांड है, हमारे 60 वार्ड में कोई भी काम नहीं हुआ है 7 सालों में। अवाम हमारे जो सिटिंग काउंसिलर जो रहे हैं अभी नहीं हैं, तो उनसे सब परेशान हो गई है। उन्होंने कोई काम वार्ड के लिए, वार्ड की भलाई के लिए, उनके लोगों के लिए, यहाँ तक कि अगर कोई लोग एक अर्जी लेके जाते हैं उसमें साइन कराने के लिए ना, तो उनका यही कहना रहता है कि मैं साइन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे उस इलाके से वोट नहीं आया। उनको ये नहीं पता है वो उन्होंने वोट किया है कि नहीं किया, ये नहीं, मगर उस इलाके को काउंट कर लेते हैं वो। तो ये एक ऐसा उनके दिल में लोगों के प्रति रोष है कि वो किसी को अपना नहीं पा रहे हैं, वो सिर्फ उन लोगों को अपना पा रहे हैं जो लोग उनके पास बैठते हैं, बस सिर्फ गिने चुने लोग ही हैं। तो हमारा ये कहना है कि वो काउंसिलर जो कोई भी बनेगा तो वो पूरे आवाम के लिए बनता है, सिर्फ 10-15 लोग के लिए नहीं बनता है। तो मेरी गुजारिश है टीएमसी सरकार से कि हम लोग भी टीएमसी पार्टी कार्यकर्ता हैं, हम लोग भी टीएमसी के मानने वाले, चाहने वाले, उनके लिए जान देने वाले लोग हैं, उनके सिपाही हैं हम लोग भी। हमारी बात को रखी जाए, शायद ऊंचे स्तर पे ये बात नहीं पहुंच रही है, किसी को नहीं पता है वो किस टाइप के काउंसिलर हैं, उन्होंने क्या काम किया नहीं किया, तो ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ मेरे हस्बैंड की बोर्ड लगी हुई है, ज़रा आप अगर दिखा सकते हैं तो, मेरे हस्बैंड ने जी जान से टीएमसी पार्टी के लिए काम किया है। आज वो कोविड के कारण, उनके इंतकाल हो चुका है अप्रैल में, और आज वो नहीं है। आज उनके काम को मैं आगे इन लोगों की खड़ी होकर के, इन लोगों का मुहिम लेकर के चलती हूँ। ये लोग मुझे अपने लीडर मानते हैं। इन लोगों का कहना है कि आज उमर भाई नहीं है तो आपको मैं उनकी शक्ल में देखती हूँ, तो आप हमारी आवाज़ बने, तो उनकी आवाज़ के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ कि हमारी आवाज़ जो है ऊपर तक जाए और इसके बारे में ये ख्याल किया जाए एक बार दोबारा से कि ये काउंसिलर हमारे लायक नहीं है। और हमारी सिर्फ यही है कि वो इस दोबारा हम लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सारी आवाम आप चाहें तो उन सब से पूछ सकती हैं, वो लोग अपने बात खुद रख सकते हैं, आप उन लोग से खुद पूछें उन लोगों की क्या मर्ज़ी है। जी नहीं, यहाँ के काउंसिलर जो खड़े हैं वो यहाँ के लायक नहीं है, इसलिए कि कोई तरह का काम सही नहीं कर रहे हैं। इस वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ का काउंसिलर चेंज हो, ये हम लोग का मेन ये हैं। और हमारी लीडर देखिए, वो कुछ कल से खाई पिए कुछ नहीं है, उनका तबीयत ऐसे भी ख़राब हो रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि टीएमसी का कोई भी बड़ा लीडर आकर उनसे मतलब कि बातचीत करें, हाल चाल उनका पूछें, ये हम लोग चाह रहे हैं। मैम आपको क्या लगता है, आप लोग जो धरना में बैठी हैं इसका असर ऊपर तक होगा किसी को? इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। सच का साथ हम लोग दे रहे हैं तो ज़रूर होगा। केसर जमीन नहीं चाहिए, साजिया सही चाहिए, क्योंकि वो हम लोग का लीडर का लायक है और वो बहुत इमदाद और मदद करती है गरीब को। और जो काउंसलर है केसर जमीन, कोई काम नहीं किया लोग। इंशाल्लाह हम लोग को पूरा यकीन है ममता दीदी के ऊपर, जो वो जल्द से जल्द अच्छा और सही फैसला निकालेगी, क्योंकि हम लोग शुरू से टीएमसी के साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग को पूरा उम्मीद है जो ज़रूर अच्छा रास्ता निकलेगा हम लोग के लिए। नहीं अभी तक तो कोई भी लीडर कहीं से कुछ नहीं आया है, पर इंशाल्लाह इतना हम लोग को विश्वास है दीदी ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगी। नहीं अभी तक कोई आए तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लीडरों ने कॉन्टैक्ट ज़रूर किया है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं बेस्ट रिज़ल्ट के साथ इंशाल्लाह, तो ऊपर से वो लोग बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक आश्वासन हम लोगों को दिया गया है कि आप लोग बेफिक्र रहें, हम लोग बात करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जो बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट होगा वो लोग देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके लिए हम लोग सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। यहाँ पर बैठने का मकसद बस ये है कि जैसे हर ज़माने में होते आया है, अन्याय के प्रति न्याय का मांग करना और किसी गलत आदमी के हाथ में इख्तदार चली जाए उसके लिए जद्दोजहद करना, कोशिश करना, और ऐसा गलत आदमी जो पहले से गलती पे गलती पे गलती पे गलती करता चला आ रहा और
उसके हाथ में फिर से इकतदार जाए तो हम बाद में क्या कर सकते हैं? इकतदार जाने के बाद तो कुछ नहीं कर सकते, इकतदार जाने से पहले हम चाहे तो उसको रोकने की अपनी प्रयत्न, अपनी कोशिश और अपनी सारी जतन कर सकते हैं। अब होना ना होना ये बात की चीज़ है, मुकद्दर की चीज़ है, जनता जिसको चुन ले वो तो बात की चीज़ है। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि एक ही झंडा तिरमूल की, उसके नीचे हम बैठे हैं इस खिलाफ़ में, उसके खिलाफ में बैठे हैं कि ऐसे शख्स को दे दी गई है जो इसके प्रति वो माने ना शुद्ध विचार रखता है, ना शुद्ध अपना किरदार रखता है। क्योंकि जितना दिनों से वो काउंसिलर हैं, अब तक के तो मोहल्ला गली गली चमका हुआ होता, और दीगर मोहल्ले में जहां अच्छे काउंसिलर्स काम कर रहे हैं, हम ये नहीं कहें कि एक यही हैं, इन जैसे बेशुमार लोग हैं जो ऊपर दीदी को या फिर जहां से टिकट मिलता है उनकी आंखों पे पर्दा है, या फिर उनके तक खबर नहीं जा रही होगी, ये भी हो सकता है। इस तरह के बेशुमार लोग हैं जिनको इस माने इस टिकट दी जाती है। काउंसिलर का जो काम है, जो एक प्रत्याशी का काम होना चाहिए, अगर प्रत्याशी अपनी जिम्मेदारी से अपने काम को निष्ठा के साथ अगर निभाए तो फिर कौन बैठेगा, क्यों बैठेगा, काहे बैठेगा, कोई नहीं बैठेगा। अब देखिए बेशुमार लोग हैं ऐसे मोहल्ले में, खुद जो बैठे हुए हैं, इनके हस्बैंड जनाब उमर फारूक साहब जिनका इंतकाल हो गया कोविड में, वो कुछ भी नहीं होते हुए भी, उनको कोई पदभार नहीं मिलते हुए भी, मोहल्ले वालों का, पास पड़ोस का, हिंदू मुसलमान किसी चीज़ की कैद के बगैर जो उन्होंने काम किया, जो सरंदा अंजाम दिया, वो जग जाहिर है। यहाँ पे ये नहीं कि मैं एक मुस्लिम हूँ, ऐसा नहीं, मैं हिंदू मुस्लिम तो मानता भी नहीं हूँ, किसी से भी पता करें, पूछ लें। लेकिन यही बात जा करके आप उनके ऑफिस के इर्द गिर्द या उनके जो एकदम सगे संबंधी है उससे हट करके जो जनरल लोग हैं उनसे पूछ लें, वो अगर बता देता है कि हाँ काउंसिलर होते हुए इसने काउंसिलर की जिम्मेदारी को बाखूबी निभाई है और ये उस काबिल हैं, तो फिर मैं समझूंगा इनका बैठना बेकार है। इनके बैठने का लक्ष्य यही है कि एक नाअहल को अहल बनाना, ये सरकार से भूल हो रही है, हमारी तृणमूल सरकार से ये भूल हो रही है। इस भूल को स्वीकार करना चाहिए, इस भूल को स्वीकार करना चाहिए। हम सब उन्हीं के सिपाही हैं, यहाँ जितने बैठे हैं वो तमाम उन्हीं के सिपाही हैं, तृणमूल के ही हम कार्यकर्ता हैं। तो हम एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारे जो सीनियर्स हैं, जो ऊपर हैं, जो सिस्टम को चला रहे हैं, उन तक अपना खबर ये पहुंचाना चाहता हूं कि एक भूल हो रहा है, एक गैप हो रहा है, एक गैप है, उस गैप को पूर्ण कैसे किया जाए, ये उनकी जिम्मेदारी है, उनका दायित्व है। जय हिंद।